आप में से ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी बिगिनर्स हैं और जो सोच रहे हैं कि मुझे आरआरबी पीओ या क्लर्क एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो ये वीडियो उनके लिए है और उनके लिए भी है जो अभी ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है और जिनके एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हो रहा है। बिकॉज आप लोग भी इस वजह से नहीं क्लियर कर पा रहे हो क्योंकि आपने बहुत सारी गलतियां करी हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में, तो आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है जो आपके प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प करेंगी और आपके एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको एक स्टेप आगे ले जाएंगी। सबसे पहले मोटी मोटी चीज, आपको अपने बेसिक्स पे वर्क करना है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास टाइम कम है तो मैं इस टाइम को मतलब यूटिलाइज ना करके, बेसिक्स ना क्लियर करके फटाफट प्रैक्टिस कर लूं। नहीं, आपको अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। बिकॉज आपके लिए सिर्फ यही एग्जामिनेशन नहीं है, आरआरबी पीओ या क्लर्क ही नहीं है, आगे आने वाले बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइंड अप है विच आर आईबीपीएस एसबीआई के भी आने वाले हैं, तो ये एग्जामिनेशंस भी आपको क्लियर करने हैं, तो उसके लिए आपको अपना बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक आपको अच्छे से करना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक चैप्टर को 10 दिन लगा के करो, बट हाँ अगर एक चैप्टर का अगर आप 2 दिन भी दे दोगे तो भी आपका थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। सेकेंड चीज ये है, करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे करनी है। बाकी बच्चे ऑलरेडी आपसे आगे निकल चुके हैं, तो करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पे तो करोगे, और प्रीवियस क्योंकि 6 मंथ्स की करंट अफेयर आनी, जैसे एग्जामिनेशन की जो डेट है ना मेन्स एग्जामिनेशन की, उससे प्रीवियस 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपके आनी है, तो आप अभी से प्रीवियस मंथ्स की करंट अफेयर्स करनी शुरू कर दो। बिकॉज अगर आपका मान लो एग्जामिनेशन सेप्टेम्बर में है, तो सेप्टेम्बर से पिछले 6 महीने की आएगी, पिछले 6 महीने की आप एक एक दो दो तीन तीन दिन करके करनी शुरू कर दो, बिकॉज करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जामिनेशन में। तीसरी चीज, जो कंप्यूटर अवेयरनेस है उसको आप आधा घंटा लगा के डेली कर सकते हो, बैंकिंग अवेयरनेस को आप आधा घंटा डेली लगा के कर सकते हो, ये आपकी चीजें हो जाएंगी। और मॉक टेस्ट में आपको ये कहूंगी, जब आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर आप मॉक टेस्ट लगाने शुरू करना, या मैं बोलूँ अगर 50% सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए तो आप प्रीलिम्स के एटलीस्ट मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो। बिकॉज मॉक टेस्ट ही एक ऐसी चाबी है जो आपका प्रिपरेशन का ताला को खोलेंगी। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छे से लगा के जाने हैं। ये 3-4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एट लास्ट जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हो तो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना है, प्रिपरेशन में भी थ्रू आउट प्रिपरेशन आपको कॉन्फिडेंस में रहना है कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज इवन इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल। अगर दुनिया में हम कोई भी चीज सोच ले करने की तो डेफिनेटली वो पूरी होती ही होती है एक ना एक दिन, तो ये जो 30-40 दिन है ये भी आपके लिए वर्दी प्रूफ हो सकते हैं अगर आप इसमें बहुत ज्यादा मन लगा के काम करो, मन लगा के पढ़ाई करो। एंड आई होप आप इन 30-40 दिन प्रीलिम्स के प्लस 30 दिन मेंस के यूटिलाइज करके इस आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन को क्रैक कर लो। माय गुड विशेस आर विद यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय।